विंटर एनीमे सीजन जल्द ही खत्म होने वाला है और इस सीजन हद से ज्यादा एनीमे रिलीज हुए हैं और उन सभी एनीमे से मैं आज अपने टॉप 8 एनीमे लेके आया हूँ। ये वो टॉप 8 एनीमे है जिन्हें तुम्हें हाल में इस सीजन में देखना चाहिए। ऑफ कोर्स मैंने इन 8 एनीमे से ज्यादा ही एनीमे देखे हैं, पर अगर मैंने हर एनीमे को इस वीडियो में कवर किया तो वीडियो हद से ज्यादा लंबी बन जाएगी। मैं इस वीडियो के अंदर इन एनीमे के जोनरा के बारे में तो बताऊंगा ही, पर साथ ही मैं उनकी स्टोरी को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस सीजन काफी सारे न्यू एनीमे तो रिलीज हुए हैं पर उसके साथ साथ कुछ ऐसे पुराने एनीमे भी हैं जिनका न्यू सीजन आया और कुछ तो बिल्कुल ही ओरिजिनल एनीमे है। तो मैं इनकी स्टोरी को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि जब तुम लोग इन एनीमे को देखो तो तुम्हें उतनी कंफ्यूजन ना हो। सो जो पहला एनीमे इस लिस्ट के अंदर है ना, मुझे लगता नहीं कि उस एनीमे के बारे में मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है। इस एनीमे के एनीमे अनाउंसमेंट से पहले ही इसकी फैन एनिमेशन ने पूरे इंटरनेट पे तबाही मचा दी थी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सोलो लेवलिंग, जो कि एक एक्शन फैंटेसी जॉनरा बेस्ड एनीमे है। अगर मैं इसकी स्टोरी को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूं तो अचानक से वर्ल्ड के अंदर कहीं से ब्लू कलर के गेट अपीयर हो जाते हैं जो कि इस दुनिया को दूसरी दुनिया से कनेक्ट कर देते हैं। उन गेट्स के अंदर काफी डिफरेंट लेवल के डंजन होते हैं और उन डंजन्स के अंदर काफी डिफरेंट लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं। जिस तरीके से ये ब्लू गेट्स हमारी दुनिया में अपीयर होते हैं ना, ठीक उसी तरीके से काफी सारे लोगों के अंदर भी स्पेशल एबिलिटी अवेकन हो जाते हैं जिन्हें हम आज के टाइम पे हंटर्स बुलाते हैं। डंजन्स के डिफरेंट लेवल के कारण डंजन्स को एस रैंक से लेकर ई रैंक तक क्लासिफाई किया जाता है। ठीक उसी तरीके से हंटर्स की अवेकन एबिलिटी के हिसाब से भी उन्हें एस रैंक से लेकर ई रैंक तक क्लासिफाई किया जाता है। इन हंटर्स का बेसिकली ये काम होता है कि इन गेट्स के अंदर जाके उन सभी मॉन्स्टर को मार डाले ताकि जो डंजन है वो क्लियर हो जाए और गेट्स क्लोज हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इस एनीमे का जो मेन कैरेक्टर है संग जिन वू, वो एक ई रैंक का सबसे वीकेस्ट हंटर है। एक दिन जिन वू अपनी पार्टी मेंबर्स के साथ एक डबल डंजन में फंस जाता है जहाँ पे जिन वू ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है, पर सरप्राइजिंगली जिन वू बच जाता है बट एक मिस्टीरियस पावर सेटअप गेन कर लेता है जो कि जिन वू को अलो करती है पावर अप करने के लिए। जितनी बार भी जिन वू अपने डेली टास्क को कम्प्लीट करता है या फिर किसी भी मॉन्स्टर्स को मारता है उस टाइम जिन वू लेवल अप करता है, जो कि काफी ज्यादा यूनिक चीज है क्योंकि जब भी कोई हंटर अपनी स्पेशल एबिलिटी अवेकन करता है ना तो फिर उसके बाद वो जितनी चाहे मेहनत कर ले वो अपने लेवल को कभी भी राइज नहीं कर सकता, पर जिन वू के केस में वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो ये स्टोरी बेसिकली हमारे संग जिन वू की है, कैसे जिन वू एक ई रैंक हंटर से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन जाता है या फिर मुझे कहना चाहिए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्च बन जाता है। वैसे तो मैंने सोलो लेवलिंग के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने इसके वर्ल्ड सेटअप को और पहले एपिसोड को थोड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर वो वीडियो तुम लोगों को देखनी है तो उसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट एनिमे इस एनिमे लिस्ट में है ना, उस एनिमे को देखने के लिए मैं सोलो लेवलिंग से भी ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ और उसका नाम है फ्री रेन बियॉन्ड जर्नीज एंड। ये एक एडवेंचर ड्रामा और फैंटेसी टाइप एनिमे है और इस एनिमे के अंदर हम लोगों को जो लाइफ है वो एक एल्फ के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है कि जो टाइम होता है वो एल्फ के लिए कितना ज्यादा डिफरेंट होता है। फ्री रेन अपने कंपेनियन के साथ पूरे 10 साल के बाद कैपिटल में रिटर्न करते हैं आफ्टर डिफीटिंग द डीमन लॉर्ड। यस, जो इस एनिमे का जो मेन प्लॉट है वो ऑलरेडी एंड हो चुका है। ये स्टोरी बेसिकली फ्री रेन और उसके कंपेनियन के ऊपर है कि इस जर्नी के एंड होने के बाद वो लोग अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं, बट इट्स काइंडली डिफरेंट फॉर फ्री रेन। फ्री रेन एक एल्फ है और हम लोग जानते हैं जो एल्फ के लिए टाइम होता है वो कितना ज्यादा डिफरेंट होता है। फ्री रेन ने अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी ह्यूमन के साथ या फिर अपनी किसी भी पार्टी मेंबर के साथ कभी भी कोई भी इमोशनल कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया, क्योंकि फ्री रेन ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि ह्यूमन का लाइफ स्पेन एल्फ के कंपैरिजन में काफी कम होता है। इतना ही नहीं, फ्री रेन ने अपनी पार्टी मेंबर्स के साथ की जर्नी को अपनी पूरी लाइफ के 100% का सिर्फ 1% बताया, बट यही 1% फ्री रेन की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देता है। जहाँ पे पहले फ्री रेन किसी भी ह्यूमन के रिगार्डिंग कोई भी इमोशन शो नहीं करती थी, वो फर्स्ट टाइम अपने इमोशन को शो करती है ड्यूरिंग द फ्यूनरल ऑफ द हीमेल। उस टाइम फ्री रेन ये रिग्रेट करती है कि उसने इस जर्नी के दौरान हीमेल या फिर अपने बाकी पार्टी मेंबर्स को अच्छी तरीके से जानने की कोशिश क्यों नहीं की। इसलिए फ्री रेन ये डिसाइड करती है कि वो इस जर्नी पे फिर से जाएगी विद हर न्यू कंपेनियन और उसने अपने प्रीवियस जर्नी के दौरान जो भी रिग्रेट किए थे वो इस जर्नी के दौरान सबको फुलफिल कर लेगी। इस एनिमे का जो मेन हाईलाइट पॉइंट है ना वो सब कुछ है, चाहे तो इस एनिमे का वो म्यूजिक हो गया, चाहे इसकी एनिमेशन, इस कैरेक्टर या फिर इसकी स्टोरी, उन सबको इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को शो किया गया है ना कि ये सब चीजें इस एनिमे को पूरी तरह से ब्यूटीफुल बना देती है। अगर तुम लोगों को भी एक ब्यूटीफुल काम स्टोरी टाइप एनिमे देखना पसंद है ना तो फ्री रेन इज वन ऑफ देम और इस एनिमे के ऊपर मैं जल्दी एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। अब जो नेक्स्ट एनिमे हमारी लिस्ट में है ना, उस एनिमे का अभी करंटली 3rd सीजन रिलीज हुआ है जो कि है ब्लू एग्जोसिस्ट। ये एक एडवेंचर डार्क फैंटेसी टाइप एनिमे है और इस एनिमे का सीजन 1 और सीजन 2 मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। अगर मैं तुम लोगों को एक क्विक स्टोरी दूं तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है रिन, वो अपने ब्रदर के साथ एक ऑर्फन में रहता है जहाँ पे जो रिन के फादर है ना वो एक एग्जोसिस्ट है जिनका काम डीमंस या फिर कोई ह्यूमन जिसकी बॉडी को डीमन पोजेस कर लेते हैं उन सबको एग्जोसिस्ट करने का काम करते हैं। बट एक दिन हमारे रिन को पता चलता है
कि वो असल में ह्यूमन है ही नहीं। हमारे रीन के अंदर और किसी का नहीं बल्कि खुद डीमन किंग सैटान का ब्लड है, जो कि हमारी रीन की लाइफ को पूरी तरह से तहस महस कर देता है। सैटान रीन के फादर को मार डालता है और वो उसके साथ साथ रीन को अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश भी करता है, पर हमारा रीन किसी तरीके से बच जाता है। और उस टाइम पे हमारा रीन एक फैसला लेता है कि उसकी लाइफ का अब सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि उसे अपने फादर का रिवेंज तो लेना ही है और उसके साथ साथ अब उसे जिंदा भी रहना है, क्योंकि बाकी सभी एग्जोसिस्ट भी उसे मारने के लिए जरूर आएंगे। वेल, अगर तुम लोगों को एक डार्क फैंटेसी टाइप एनिमे देखना पसंद है ना, तो तुम लोगों को ये एनिमे जरूर चेकआउट करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट एनिमे इस लिस्ट में है ना, उस एनिमे का भी अभी करंटली सीजन 3 रिलीज हुआ है, और अगर तुम लोगों को भी साइकोलॉजी या फिर मैनिपुलेशन टाइप एनिमे देखना पसंद है ना, तो तुम लोगों ने इस एनिमे का नाम डेफिनेटली सुना होगा, क्लासरूम ऑफ द एलाइट। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि मुझे इस एनिमे के बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है, पर जिन लोगों ने अभी तक भी क्लासरूम ऑफ द एलाइट को नहीं देखा है, हियर इज अ क्विक रिव्यू फॉर यू। एक स्कूल है जिसमें सिर्फ कुछ गिने चुने बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। ये स्कूल तुम लोगों को गारंटी देता है 100% एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि जो भी स्टूडेंट इस स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं ना, उन स्टूडेंट को 100% एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा। इस स्कूल में स्टूडेंट को हर तरह की टॉप क्लास फैसिलिटी और फ्रीडम मिलती है। स्टूडेंट किसी भी तरह का खाना खा सकते हैं, वो कहीं पे भी जा सकते हैं और किसी भी तरह के कपड़े पहन सकते हैं, बट ये चीजें सिर्फ और सिर्फ टॉप क्लास स्टूडेंट को मिलती हैं। स्टूडेंट्स की एबिलिटी के हिसाब से ये स्कूल उन्हें ग्रेड ए से लेकर ग्रेड डी तक क्लासिफाई करता है, जिसमें ग्रेड ए में ऑब्वियसली टॉप क्लास स्टूडेंट होते हैं और वहीं पे ग्रेड डी में लो आईक्यू या फिर लो एफर्ट वाले स्टूडेंट होते हैं। हमारा जो मेन कैरेक्टर आयनो कोजी है ना, वो भी ग्रेड डी में आता है, बट आयनो कोजी इज अ फ्रीकिंग जीनियस जो कि पूरी क्लास डी को मैनिपुलेट करता है। जिस भी टास्क या सिचुएशन में आयनो कोजी इन्वॉल्व है ना, समझ जाओ कि उस सिचुएशन का रिजल्ट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तुम लोग सोचोगे कुछ और जो रिजल्ट निकलेगा वो कुछ और होगा। तुम लोग सोचते रह जाओगे कि इस सिचुएशन का तो सिर्फ यही एक रिजल्ट हो सकता है, बट उस सिचुएशन में कौन इन्वॉल्व है? आयनो कोजी। तो उस सिचुएशन का रिजल्ट बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होगा। अगर तुम लोगों को साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन टाइप एमसी पसंद है ना, तो आयनो कोजी तुम लोगों को डेफिनेटली पसंद आने वाला है। अब जो नेक्स्ट एनिमे हमारे लिस्ट में है, वो है मसल मैजिक एंड मसल। ये एक एडवेंचर फैंटेसी और कॉमेडी जॉनरा बेस्ड एनिमे है। तुम में से जिन लोगों ने हैरी पॉटर मूवी देखी है, ये एक तरीके से हैरी पॉटर मूवी का ही एनिमे टाइप वर्जन है। नहीं, इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो हैरी नहीं है, बट ये एनिमे तुम्हें हैरी पॉटर मूवी की ही वाइब देगा। एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें हर कोई मैजिक इस्तेमाल कर सकता है, वहीं पे जो हमारा मैस है वो बिना मैजिक के बोर्न हुआ है, जहाँ पे बाकी सारे लोग अपने डेली के वर्क या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पे हमारा मास अपनी मसल का इस्तेमाल करता है। वो अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ पे ही निर्भर रहता है हर तरह के काम को करने के लिए। इस एनिमे का सीजन 2 करंटली ऑनगोइंग है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा जा रहा है, और तुम लोगों ने कहीं ना कहीं इसके सीजन 2 की ओपनिंग थीम जरूर सुनी होगी, जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। अगर तुम लोगों ने हैरी पॉटर मूवी को एंजॉय किया है, तो तुम लोग इस एनिमे को भी डेफिनेटली एंजॉय करोगे। जो नेक्स्ट एनिमे इस लिस्ट में है, उसका नाम है हाई कार्ड, जो कि एक एक्शन फैंटेसी जॉनरा बेस्ड टाइप एनिमे है। इस एनिमे का भी अभी सीजन 2 करंटली ऑनगोइंग है और ये काफी ज्यादा अंडररेटेड एनिमे है, तो इस एनिमे के बारे में कोई ज्यादातर बात नहीं करता। इसकी स्टोरी में हमें फोरलैंड नाम का किंगडम दिखाया जाता है, जिसकी जो रॉयल फैमिली है वो 52 डेक ऑफ सीक्रेट एक्स प्लेइंग कार्ड को पोजेस करती है, एंड जो भी पर्सन इन कार्ड्स को अपने हाथ में लेकर प्ले बोलता है, उस पर्सन को ये कार्ड सुपर ह्यूमन पावर या फिर स्पेशल एबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण रॉयल फैमिली ने इन कार्ड्स का पर्सनल यूज को प्रोहिबिट कर रखा है। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो कि इन कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक रात इन कार्ड्स को रॉयल किंगडम से कोई चुराने की कोशिश करता है। उस दौरान ये सभी कार्ड्स पूरे किंगडम में बिखर जाते हैं। उस टाइम पे रॉयल फैमिली एक स्पेशल कंपनी को ऑर्गेनाइज करती है, जिसका मेन काम इन सभी कार्ड्स को पूरे किंगडम से रिकवर करने में स्पेशलाइज होती है, जिसका नेम है पिनोकियल। इस कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबके ग्रुप को हाई कार्ड बोला जाता है। हाई कार्ड में जितने भी मेंबर्स हैं, वो सभी एक्स प्लेइंग कार्ड्स को पोजेस करते हैं, और उनका काम है कि वो जितने भी कार्ड्स पूरे किंगडम में बिखरे हुए हैं, उन सब को रिकवर करें और रॉयल फैमिली को सबमिट कर दें। अगर तुम लोग को भी थोड़ी बहुत यूनिक स्टोरी देखना पसंद है, तो ये एनिमे को तुम लोग जरूर देख सकते हो। नाउ जो नेक्स्ट एनिमे है, ये भी अगेन एक अंडररेटेड एनिमे है, जो कि है द एपोथिकरी डायरीज। ये एक ड्रामा मिस्ट्री और रोमांस जॉनरा बेस्ड एनिमे है। एनिमे की शुरुआत में हम लोगों को एक यंग गर्ल मामाओ से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि अपने फादर के साथ रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में एपोथिकरी का काम करती है। एपोथिकरी माने कि जो लोग मेडिसिन या फिर हर्ब्स के रिगार्डिंग काम करती है, काइंड ऑफ डॉक्टर तुम लोग इन्हें कह सकते हो। और मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत है नहीं कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में किस तरह का काम होता है। यहाँ पे किडनैपिंग से लेकर प्लेजर देने तक का काम भी होता है। लेकिन जब एक दिन हमारी मामो इस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में मेडिसिन की डिलीवरी देने के लिए गई होती है, तो उस टाइम पे कुछ किडनैपर मामाओ का पीछा कर रहे होते हैं और मामाओ को किडनैप कर लेते हैं और इंपीरियल पैलेस में सोल्ड आउट कर देते हैं, जहाँ पे मामाओ को एज अ
सर्वेंट काम करना पड़ता है। इस एनिमे की जो मेन हाईलाइट चीज है ना, वो है इसकी स्टोरी का बीच में स्लाइटली डार्क टर्न ले लेना और एक सस्पेंस थ्रिल या फिर एक मिस्टीरियस सिचुएशन क्रिएट कर देना। ये एनिमे रोमांस, ड्रामा और कॉमेडी तो प्रोवाइड करता ही है, पर उसके साथ साथ जो मिस्टीरियस सिचुएशन भी प्रोवाइड करता है ना, जिसे हमारी माँ मौ किस तरीके से सोल्व करती है, वो इस एनिमे का मेन हाईलाइट पॉइंट बन जाता है। और इस एनिमे के ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ये एनिमे भी काफी ज्यादा अच्छा है, उसकी स्टोरी भी ना काफी ज्यादा यूनिक है। नाउ जो लास्ट एनिमे है वो विंटर सीजन के बिल्कुल लास्ट में रिलीज हुआ है और इस एनिमे के पहले एपिसोड ने मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया। ये एक ओरिजिनल एनिमे है, इसका मतलब ये एनिमे किसी भी सोर्स मटेरियल्स लाइक मांगा, लाइट नॉवल या फिर मानवा से नहीं लिया गया। अगर तुम लोगों ने जॉन विक मूवी देखी है ना, तो ये एनिमे तुम लोगों को 110% पसंद आएगा। तुम इस एनिमे को जॉन विक मूवी का एक काइंड ऑफ एनिमे वर्जन बुला सकते हो। और इस एनिमे का नाम है निंजा कामुई और ये एक एक्शन, फैंटेसी और साइंटिफिक जॉनर बेस्ड एनिमे है। ईगान जो कि एक निंजा क्लैन से बिलोंग करता है, वो निंजाज में भी एक इलाइट निंजा है, जिसके कारण ईगान को इस क्लैन की एक स्पेशल पावर को उसे पास डाउन किया जाता है, जो कि सिर्फ कुछ गिने चुने इलाइट निंजाज को ही दी जाती है। लेकिन एक असैसिनेशन मिशन के दौरान ईगान अपने लव के साथ यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि इस क्लैन में किसी भी निंजा को किसी से भी लव करना तो दूर, लव के बारे में सोचना या मैरिज करना भी अलाउड नहीं है। उनके जन्म से लेकर उनके मरने तक उन्हें सिर्फ और सिर्फ असैसिनेशन मिशन को फुलफिल करने का ऑर्डर दिया जाता है, जिसके कारण ही गान इस क्लैन को बिट्रे कर देता और यहाँ से भाग जाता है और एक रूरल एरिया में अपना बेस बदल कर अपने परिवार के साथ एक पीसफुल लाइफ जीने लगता है। पर इनकी पीसफुल लाइफ जल्द ही एंड हो जाती है, क्योंकि ये क्लैन एक असैसिनेशन ग्रुप को ऑर्गेनाइज करता है, जिसका काम जितने भी एक्साइल्स निंजा है उन सबको एक एक करके हंट करने का है। एक्साइल्स निंजा वो निंजाज हैं जिन्होंने अपने क्लैन को बिट्रे कर दिया या फिर यहाँ से भाग गए, क्योंकि इन एक्साइल्स निंजा में ऐसे काफी सारे निंजा हैं जो कि यूनिक पावर को पोजेस करते हैं और इन निंजाज के अलावा इनकी स्पेशल पावर के बारे में और कोई भी क्लैन मेंबर नहीं जानता है। इन फ्यूचर ये निंजाज इस क्लैन के लिए कोई थ्रेट ना बन जाए, इसलिए ये क्लैन इन सभी निंजाज को मार डालने का ऑर्डर देता है। ये असैसिनेशन ग्रुप ही गान और उसके परिवार को ढूंढ लेता है और उसकी आंखों के सामने उसके पूरे परिवार को मार डालता है और यही गान को भी ऑलमोस्ट मार ही देते हैं, पर अपनी सीक्रेट पावर के कारण ही गान मर के भी जिंदा हो जाता है और एक निंजा कामुई बन जाता है, जो कि ये डिसाइड करता है कि वो इस क्लैन के हर एक मेंबर को एक एक करके मार डालेगा और अपने परिवार का बदला लेगा। अगर तुम लोगों को भी एक असैसिनेशन, रिवेंज या फिर टॉप क्लास एक्शन एनिमे देखना पसंद है ना, तो निंजा कामुई को हर हाल में देखना। एंड यहीं पे मेरी टॉप 8 एनिमे की लिस्ट खत्म होती है। ये वो 8 एनिमे जिन्हें इस विंटर सीजन में देखने में मुझे हद से ज्यादा मजा आ रहा है, और अगर तुम लोगों ने इन 8 एनिमे में से कोई भी एक एनिमे मिस किया है ना, तो मैं तुम लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि इन 8 एनिमे को इस सीजन में तो डेफिनेटली देखना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।